कि अमृत जल को और अमृत बनाना है तो क्या कहा कि इसके लिए आयुर्वेद में कहा, एक शब्द है आयुर्वेद के अंदर आप नोट कर सकते हैं जिसको हम हंसोदक कहते हैं या अंशुदक कहते हैं। जो अंशुदक है, हंसोदक है, हंस कहते एकदम हंस सफ़ेद सफ़ेद एकदम आनंद आ जाता, तो जो हंसोदक कहते ही उसको आयुर्वेद के अंदर हंसोदक का बहुत बहुत वर्णन भी है, बड़ी प्रशंसा भी है। उसके लिए आयुर्वेद कहता है स्नाना पाना वगाहेशु शस्यते तद्यथा अमृतम। तो इस तरह से कहा कि दिन के किस तरह से बनेगा कि ये जो है इसको लेने से ये बहुत ही अमृत माना गया है, इसको स्नान करना हो पान करना हो कहा कि ये बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए जरूर ये दिन के समय में सूर्य की किरणों में और रात के समय में चांद की चांदनी में रखा गया जल हंसोदक और अंशोदक कहा गया। ये जल बहुत ही विशेष माना गया है स्नान करने के लिए भी। यदि आप रात को बाल्टी में घड़ों में भर करके पानी रख दें सुबह से स्नान करने बहुत अच्छा रहेगा। दिन में भी सर्दी में तो लोग जहाँ पर गाँव में ज़्यादा साधन नहीं होते हैं, हम तो गंगोत्री में भी क्या करते थे, बहुत ठंड का मौसम होता था, कभी कभी बाल्टी भर करके पानी रख देते थे, सूर्य की किरणों से वो थोड़ा सा उसकी जो थोड़ी सी ज़्यादा कड़क ठंड है कम हो जाती थी, फिर स्नान करते थे। तो ये बहुत ही लाभकारी माना गया है और इसको पीने में भी बहुत गुणकारी माना गया है, स्नान में भी गुणकारी माना गया है। यदि ऐसा जल का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए हमारे यहाँ गाँव में आप देखते हैं कि अभी भी घड़े में पानी ला करके घड़े बाहर ही होते हैं, घर के बाहर रखे जाते हैं, क्योंकि उनको पता था, ऋषियों ने हमको बताया था कि हंसोदक कहलाएगा, ये उससे बहुत लाभकारी हो जाता है। तो यह जल अमृत के समान होने पर भी ये ध्यान रख लीजिएगा कि यह बहुत ही लाभकारी है। किसी भी प्रकार के जैसे जो दोष है उसको शांत करने वाला माना गया है, इसको शक्ति को वृद्धि को ताकत को देने वाला माना गया है। रसायन को जो पहलवान लोग हैं ना, पहले आपने देखा होगा बाहर को रखे हो ठंडे एकदम घड़े में रखे हो जल जो रात भर पड़ा है और दही धना धन सुबह नहाते थे, जो कुश्ती करने वाले लोग, जो व्यायाम करने वाले लोग हैं, जो शारीरिक बल चाहते हैं, उन सारे लोगों को रात को पानी बाहर खुले में रख करके सुबह उस पानी से नहाना चाहिए। हमारे यहाँ की परंपरा तो वही बाल्टी में पानी रख करके नहाने की थी, बर्तन में जल रख करके नहाने की थी, और आज हम उन बाल्टी और मग्गों की जगह पर कहीं वो पहले बाल्टी मग्गे पहले चौड़े में होते थे, खुले में नहाना, वायु वाले स्थान किस जगह पर नहाने का और निर्वात स्थान पर नहाने के उसके अलग अलग गुण हैं। स्नान के विषय में कहीं उसकी चर्चा भी करेंगे, परंतु आप ध्यान रखें कि आपको हो सके तो आज हमारे यहाँ तो पहले तो खुले में नहाते थे, माता बहनों को जरूर थोड़ा सा निर्वात या ढकी हुई जगह होना चाहिए, यदि पुरुष खुले में नहाते तो अच्छा। और आज आधुनिकता के नाम पर हमने ऐसा भी देखा है विदेशों में बहुत सारी जगह पर, वहाँ पर शौचालय की जगह पर एकदम खुले ओपन जगह पर टॉयलेट सीट बने, मैंने देखा कई जगह पर, भारत में भी एक दो जगह पर हैं। हमने कहा भाई ऐसा क्यों है, बोले जिन आदमी रिलैक्स होकर के अपना मल विसर्जन करना चाहता। मैंने कहा हमारा गरीब भाई गए जहाँ शौचालय के अभाव की वजह से वो खुले में करता है, खुले में नहाता है, और तुम फैशन की वजह से ये सब काम करते हो। तो ये जो प्रकृति के साथ थोड़ा सा शौच खुले में नहीं करना चाहिए, परंतु स्नान आप जरूर, ऐसे वातावरण हो घर में, बेहुदापन नहीं होना चाहिए, उघाड़ा इस तरह से नहीं होना चाहिए जो दूसरे को कष्ट पहुंचे, देखने में गड़बड़ हो, घर में थोड़ा सा ऐसा है कि बाड़ लगा दो थोड़े से समय पर, आसमान की तरफ से खुला हो ऐसी जगह पर आप स्नान कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। रात्रि का जल रखा हुआ तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये हमारी परंपरा है और इसको शीतल कहा गया है और ये बहुत ही शरीर के लिए लाभकारी कहा गया है और ये पीने के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसको कहा कि जो रस बह रक्त बह जितने भी जो स्रोत हैं, जो इसको रोकने वाले जो तत्व हैं, वो इसके द्वारा वो सब खुल जाते हैं, उस नहीं रुकता है और ये सभी दोषों से रहित होता है।